देख सकते हैं कितना खतरनाक भीड़ है, पूरा स्टेडियम फुल हो चुका है, पूरा गुरुग्राम का एकदम चक्का जाम हो चुके हैं हमारे भाई, और पूरा देखिए पूरा दौड़े हुए राउंड मार रहे हैं पूरा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मस्त होंगे। तो आप भी फिर से आ चुके हैं बाबा धाम, और इस बार बाबा धाम का ब्लॉग नहीं होने वाला, इस बार देवघर का बॉर्डर, झारखंड का बॉर्डर की तरफ जाएंगे और उस तरफ देखेंगे क्या भीड़ है कि नहीं। और अभी तो रात का टाइम हो रहा है, और रात में भी देखेंगे कांवरिया लोग आ रहे हैं कि नहीं। आप लोगों को पता होगा कि किसी राजगीर का मेला जो है ख़त्म हो चुका है, मनमास ख़त्म हो चुका है, और सावन अंतिम चरण में आ चुका है। तो अंतिम चरण में भीड़ नहीं रहेगा तो कभी नहीं भीड़ लगेगा। लेकिन चलिए आप लोग को दिखाते हैं क्या भीड़ है कि नहीं है, पूरा आप लोग को दिखाएंगे, बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अभी शिव गंगे के तरफ से जा रहा हूँ, और देखिए कितना काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पूरा एकदम कांवरिया से पूरा रोड एकदम जाम हो चुका है, को नीचे रख नहीं सकते हैं, इसीलिए सभी लोग कांवर यहाँ पे रख के उसके बाद शिव गंगे में स्नान करते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा कांवर रखा हुआ है, इधर भी पूरा कांवर रखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे रख के सब गंगे में कांवरिया लोग नहाने के लिए जाते हैं। उसके बाद नहाने के बाद यहाँ से फिर कांवर उठा के बाबा के धाम के लिए फिर लाइन लगते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा रखने के लिए, कांवर रखने के लिए यहाँ पे जगह दिया गया है, पूरा बम्बूज को उसके ऊपर आप रख सकते हैं, क्योंकि नीचे नहीं रख सकते कांवर को। और इधर और आज बहुत ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इधर देखिए सभी लोग नहा रहे हैं। तो आज कांवरिया का भीड़ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब पूरा दिन सावन और पूरा मलमास में एक दिन भी देखने को नहीं मिला था जितना आज देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं भैया कांवरिया लोग आ रहे हैं, और पैर को देखिए गौर कीजिए, सभी लोग कुछ ना कुछ बांध के, जिस तरह सुल्तानगंज से आने से वहाँ पे जल उठाते हैं, इसी तरह संकल्प किया जाता है। इस यहाँ पे देवघर में एक दिन भी इस तरह संकल्प देखने को नहीं मिला कि इतना इकट्ठे लोग में संकल्प कर रहे हैं। और इस सावन में, लास्ट सावन में देखिए कितना भैया पूरे, और कितना कांवरिया लोग आ रहे हैं, इधर जा भी रहे हैं, पूरा एकदम शिवगंगे पूरा भर चुका है कांवरिया से। और ये देखिए इतना छोटा छोटा बम भी भैया बाबा धाम आते हैं, पूजा करके वापस जा रहे हैं, शायद नहीं अभी लाइन लगने के लिए जा रहे हैं, शिव गंगे में नहा स्नान करने के बाद अभी लाइन लगेंगे, बहुत दूर में जाके लाइन लगेंगे क्योंकि भीड़ इतना काफ़ी ज़्यादा लग चुका है। देवघर के बॉर्डर के साइड इस बार दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, इसीलिए समझ नहीं आ रहा है, एक घंटा से पैदल चल रहा हूँ, और मैं दुमका जाने वाला था, लेकिन आज जो 4:30 बजे ट्रेन थी शाम में, लेकिन वो ट्रेन कैंसिल हो गई थी, तो रात 9 बजे थी, तो इसीलिए जाना आसान नहीं था, इसीलिए नहीं गए। इसीलिए देवघर के बॉर्डर के साइड आप लोग को जाके दिखाते हैं, उधर का ब्लॉक नहीं बनाए थे, उधर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा है। फाइनली देवघर के बॉर्डर कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं, और किस तरह सभी कांवरिया लोग आ रहे हैं, देखिए पूरा जो आगे दिखाई दे रहा पूरा भीड़ आप। और इधर भैया कांवर को रखते हैं यहाँ पर, कुछ अपना फ्रेश व्रेश होते हैं, उसके बाद उठक बैठक करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि आपका बाबा बोले आपका कांवर बीच रास्ते में मैंने रखा यहाँ पे, उसके बाद माफ़ी मांग के सीधा। और इधर देखिए डाक बम वाले सारे दौड़े हुए जा रहे हैं, और किस तरह कांवर लोग इतने रात को भी आ रहे हैं, और अभी कुछ ही क्षणों में देवघर का बॉर्डर पहुँचने वाले हैं, और वहाँ पे आप लोग को सारा कुछ दिखाएंगे। तो चलिए देख रहे कितना भरा भरे पूरा एकदम किस तरह आ रहे हैं, कितना ज़्यादा कांवरिया इतने रात को आ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ देखिए भैया, इतना भीड़ किसी दिन भी देखने को नहीं मिला था, अभी लास्ट चरण है सावन का, इसलिए इतना ज़्यादा अभी भीड़ देखने को मिल रहा है। देवघर या दुमका मैं कहीं जाने वाला नहीं था, मैं जाने वाला था एलबीस यादव के मीटअप में। देख सकते हैं कितना खतरनाक भीड़ है, पूरा स्टेडियम फुल हो चुका है, पूरा गुरुग्राम का एकदम चक्का जाम हो चुका है, और अभी एलबीस यादव आए नहीं हैं, आएंगे तो वो सारा कुछ आप लोग को दिखाएंगे। आ चुके हैं हमारे भाई, और पूरा देखिए पूरा दौड़े हुए राउंड मार रहे हैं पूरा, मतलब फैन लोग को, और फैन के बीच अभी जाएंगे, उसके बाद आप लोग को सारा कुछ दिखाएंगे, बस आप लोग ब्लॉक में बने रहिए। Sorry.
उत्तराखंड बॉर्डर पहुंच चुके हैं और कांवरिया लोग इतने रात को भी पूरा भीड़ उमड़े हुए भीड़ में आ रहे हैं और यहाँ पे जो इतने रात को यह जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे अब तो बहुत ही ज़्यादा लाइन भी लगना पड़ेगा यहाँ पे जाने का नहीं, या यहाँ से अब सुबह जाना चाहते हैं जो लोग जल ढारने के लिए, तो यहाँ पे रुक सकते। देखिए सभी लोग कांवरिया लोग जा रहे हैं इस लॉज में रुकने के लिए और बहुत ही सस्ता यहाँ पे मिल जाएगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा कांवरिया लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सस्ता धर्मशाला देखिए बना हुआ किस तरह। और आगे चलते हैं, जितना आगे जा सके उतना आगे जाके आप लोग को सारा कुछ दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये लोग फ्रेश फ्रेश होके कांवर से माफ़ी मांग रहे हैं और फिर उठा के यहाँ से निकलेंगे बाबा धाम। और देखिए सारे कांवरिया लोगों को पैर देखिए पूरा भैया नीचे से कपड़ा बांध के जाते हैं और लाठी भी ले लेते हैं उनके सहारे बाबा धाम, किसी तरह कितना कष्ट भी हो लेकिन बाबा धाम पहुँचते हैं। और ये सब जितना आप लोगों को दिखाई दे रहा है सारा धर्मशाला है, यहाँ पे रुकने के लिए आप लोगों को पैसा लगेगा यार। यहाँ पे चाउमीन चाट खा सकते हैं लेकिन चाउमीन चाट कांवरिया लोग नहीं खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं और बहुत लोग नमक नहीं खा के जाते हैं, दो दिन तीन दिन चार दिन जितना लगे उतना दिन नमक नहीं खाते हैं। देख रहे झारखंड बॉर्डर में किस तरह कांवरियों का भीड़ उमड़ चुका है और कितना कांवरियों लोग आना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि सावन का लास्ट चरण है, 31 तक सावन रहने वाला, आज तो 20 तारीख हो गया है और लगभग अब 10 दिन बचा हुआ है सावन और 10 दिन में सावन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इससे भी ज़्यादा कम भीड़ देखने को मिलेगा। लेकिन भीड़ देख रहता है, ऐसा नहीं है कि भीड़ ख़त्म हो जाएगा, क्या पता इससे भी ज़्यादा भीड़ लग सकता है। जो छोटे बच्चे आते हैं भैया वो नहीं चल पाते तो उनके पिता भैया पूरे कंधे पर अपने बैठा के बाबा धाम ले जाते हैं देखिए। और ये पल सबसे खुशी का पल है कि लगाते हुए बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। कैमरे पे लाइट पड़ने के बाद पूरा ब्लर हो जाता है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है ब्लॉग बनाने में। देख रहे किस तरह हालत ख़राब हो चुका है लेकिन कितने सामान भी लेके और बाबा धाम के लिए पैर देखिए किस तरह चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सभी लोग रुकने वाले हैं, यहाँ पे फ्रेश व्रेश होंगे या सुबह जाने का होगा, 3 बजे सुबह जा सकते हैं या फ्रेश व्रेश हो के यहाँ से फिर देखिए कांवर रख रहे हैं ऊपर में, नीचे नहीं रख सकते, ऊपर में रख के फ्रेश व्रेश होंगे, पानी वानी पियेंगे उसके बाद फिर निकलेंगे। देख रहे हैं किस तरह सभी जितना कांवरिया लोग आ रहे हैं सभी देखिए सबका पैर पे गौर कीजिए किस तरह चल रहे हैं, कितना हालत ख़राब हो चुका है क्योंकि गर्मी भी इतना काफ़ी ज़्यादा गर्मी किया हुआ है और 2 दिन से इतना टाइट वाला धूप, भैया हालत ख़राब हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 1-2 किलोमीटर चलने में हालत ख़राब हो जाएगा इंसान का। लेकिन 106 किलोमीटर चल के तय करके आ रहे हैं सभी कांवरिया लोग और बोलबम का नारा भी लगाते हुए। और इधर चल जाएंगे देवघर के इंटरनेशनल बस स्टैंड, वहाँ पे रहने के लिए बना हुआ है, आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में, जो लोग नहीं देखे होंगे लिंक आप लोग को मिल जाएगा। और इधर सीधा बाबा धाम के लिए वाइट वाला जितना दिखाई दे रहा है सारे डाक बम। और यहाँ पे कितना कांवरिया लोग रुके भी हैं और बहुत सारा कांवरिया जा भी रहे हैं।